आज जन समाज हमने काफी बीमार रह गए, इस बीमार समाज के इलाज भी होना चाहिए, तब जाके हमने कोई भी लड़ाई जीते पाए। तो सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कराई हो, क्योंकि हम बार बार कहिए कि मैया और मटिया में अगर एगो चुने हैं तो कमरा चुनना चाहिए। मैया एक दिखे मैया और एक दिखे मटिया हो, एम उसी कमरा चुनना चाहिए। मटिया के चुनिया है कि तो मैया की गारंटी हो कभी दिन रखे बार बार चश्मा वाला अगर मामी आए तो मैया गिरना हो रखे पर नहीं रखे पर लगना। लेकिन ये मटिया तब तक रहता हो जब तक चांद सूरज और पृथ्वी रहता हो तब तक मटिया रहता है, मैया के ना रखे पर बात। जितना झमेला सबके मैया है, बिना मैया के संसार में केव नहीं आए, लेकिन मैया के ना रखे पर बात। एक दिन मैया छोड़ के कब्रिस्तान वाला सब कब्रिस्तान जीता है और शमशान वाला सब शमशान जीता है, राखे नहीं पर की रखे पर भाग कि मटिया। तो सही खातिर हम कहियो कि मैया और मटिया ने अगर एक चुने हैं तो मटिया के चुनिया हर आज से लड़ाई लगाए कि मटिया के लड़ाई। अब यहाँ मान के चलो जन क्षेत्र में हम खड़ा ही है, यहाँ बगल में जितना भी गांव ताकि कहले गए कि जहां तक दामोदर नदी गए हो, दामोदर नदी तो जानबे कर रहा जानबे कर रहा नहीं तो कम से कम अगर कुसुम हसाई में जाबे कर रहा। तो दामोदर नदी जहां तक गेल है तहां तक अपन बाया साइड में कोयला दे गए, यानी ऊपर में कोयला के बहुत बड़ा खजाना है। तो ठीक उसी प्रकार आज के पीछे 10 साल से 15 साल से तुमने के नोटिस मिल रहा लो कि इतना काम तुमने खाली कर दिया। अब एक बात बताओ तुमने इतना काम खाली कर लगा कहां जी, मैं बताता हूं कहीं फोर ठिकाना हो, कहीं फोर ठिकाना हो, कहीं रह जगह है तो लड़वा की ना। यदि आज चुपचाप रहे कि वहां लड़ाई नहीं लड़वा तो कहीं फोर ठिकाना हो कहीं ना हो बप्पा चिंदा हो तो घोड़ी कही मनसा पूजा सामने है। गैल बात की का तो पता हो कि नूनी आए हैं अच्छा कर ले हैं दोना पेट भर के दबो लेकिन रह कोना नहीं दिए पर, यानी जे भी तोर हो यही परसिया में हो, चीरूडी में हो, गर्भुडी में हो, मुनीडी में हो, सरायदहा में हो, आमडी में हो, धोबनी में हो, दीवारदा में हो, जटूडी में हो, बालूडी में हो, जे भी तोर हो ये। अब तोहनी थोड़ा सा याद कर, जब तोहनी का ससैया सत्ता कतैयन लगा ना तो ससैया में तोहनी कुछ दे के गेलो की नहीं, अरे ना कुछ देो तो कम से कम डंडरिया में चाबी तो देले हो, जब हम दे के गेलो और लास्ट कड़वा में कह के गेलो कि वो खेता में तनी गोबरा बेसी दिया गोबर में गोबरा बेसी ना इतना तो बोल ले हो तो इतना कह ले हमारा ना कुछ दिया पार लो तो कम से कम तोनी ससैये कुछ ना कुछ देो कि वो खेतवा में बेसी गोबर दी है अगर में बेसी धान लगा है अगर में बेसी बिहन लगा है। अब तोनी बताओ तो अपन को तैयन की दबा कि दबा अपन को तैयन के कुछ तो नहीं बचते, खेत खलिहान सब कंपनी लिए लागल है, सब इसी प्रकार से कोयला के खदान बने लागल है, सब माटी हमनी के धसे लागल है। तो तोहनी ईमानदारी से बताओ तोहनी अपन आने वाला पीढ़ी के की दबा। तो साफ भाषा में अगर कहा जाए आज से हमने इतना लड़ाई लड़ी है, आज से इतना लोग जमा भी है, आज से हमने इतना धूप बरसात गर्मी सब पार करके लड़ाई लड़ी है, आने वाला पीढ़ी लड़ाई हमने अपन करके ना लड़े लड़ाई से फायदा तोड़ने के ना मिलते दादी लड़ैया से फायदा तो ना मिलते और कोरोना में जब नकलियां हो ये बड़ा फायदा लड़ाई तोड़ने का देना हो। अगर कोई सोचा कि हमारा की मिलते घर घर सकल तो पीछे गाय भी लगा ना कि जरा मत सभा वाले हमें चल जा हमने के कुछ ना मिल रहे तो साफ साफ कहो सुई पकड़ गया तोड़ने का तेरना ही लड़ाई हो, आंखी तक चश्मा चढ़ गए तोहनी खातिर ना लड़ाई हो, दो चार को कतवा फसल के तोहनी खातिर ना लड़ाई हो, इसे फॉरवर्ड में लड़ के आए था नतियन को पीएम के रखने खातिर लड़े हिलड़ा रखने खातिर हिलड़ा रखने खातिर कि भाई रखने खातिर वास्तविक थी पहला सवाल की थी वास्तविक। अब मान के चल इस क्षेत्र में 24 गांव के बाद हुआ है, सबसे पहला बात जितना भी जानकार लोग कहा हमने सबसे बड़ा कमजोरी कि हमने जानकारी नहीं, विनोद बाबू हटे खाते बार बार कहे पढ़ पढ़ बाबू पढ़ तो हमने जानकारी नहीं रखी है। आज कल हम गए भौरा, भौरा में तो जाके कोयला के मीटर में आंदोलन हलाय, कुसुंडा में हलाय,
तब हमारा अगर महाराष्ट्र में यूपीएससी के अधिकारी रहा है, यूपीएससी यानी जगह में आईएएस आईपीएस बना है, तो हमारा टेलीग्राम में एक मैसेज भेज दो, कहें जैसे आपके झारखंड में बीसीसीएल है, बोकारो में सीसीएल है, तो गोड्डा में ईसीएल है, हमारे महाराष्ट्र में डब्ल्यूसीएल है यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो बोले सर क्या उसमें फायदा है? बोला यहाँ अगर किसी कंपनी सेम जैसा या किसी तरह कोयला की कंपनी अगर वहाँ कोई कंपनी जमीन ले है या फिर कोयला खो रहा है, तो सबसे पहले की करे बताओ, एक सर्वे की टीम तैयार करा है। महाराष्ट्र में भी सिंगरौली नामक जगह हो जहाँ एनसीएल हो, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहाँ एक सर्वे की टीम तैयार कर रहा है। और वो टीम की तरह है सबसे पहले जाके पता कर रहा है कि भाई परसिया गांव में कितना आदमी के जमीन कोयला खदानने बर्बाद हो गया, वे टीम रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ओकर बाद कहा कि कितना आदमी का घर बंजर रहता है, कुल मिलाई के सारा रिपोर्ट बनाए बाद कंपनी की कर रहा है 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी में अपनी के जमीन अलॉटमेंट करा है। सोनी की जमीन अलॉटमेंट कर लो अभी तक ना ही ना एकदम ना चढ़िया, बीसीस के लेते चाहे देश के प्रधानमंत्री लेते एकदम लड़ैया ना चढ़िया। वहाँ की करा है सबसे पहले जमीन अलॉटमेंट करा है कि तोर जमीन हम परसिया में ले लेंगे, तोर जमीन चूंकि यहाँ कोयला हो तो हम परसिया के जमीन ले लेंगे, लेकिन बदले में ये नियम है कि हमारा जमीन कोई कहाँ ले, तो बाकी जो है ना डब्ल्यूसीएल एनसीएल एमसीएल वो कहीं बदल में अपना जमीन दे। जैसे कि मान के चल बहुत सारा खास जमीन कोई दूसरे क्षेत्र में है जहाँ लोग नहीं रहा है, टाण है टिकुर है, तहाँ सरकार जगह जमीन ले है ओकरा जाके बसवा कि तो यहाँ रहो, तोर परसिया में जमीन ले लियो, तोर चिरूडी में जमीन ले लियो, बदले में तोरा हम यहाँ दे लियो क्योंकि खाली क्षेत्र लग लगल तो यहाँ रहो। हाँ तोर से 5 एकड़ ले लो तो 5 एकड़ नहीं दिलो, कम से कम 50 डिसमिल कुछ भी अगर वो पाप में जमीन ले दिलो। और सबसे ताज्जुब के बात, क्योंकि मीडिया बंधु है मैं थोड़ा एक हिंदी में बोलता हूँ, सबसे ताज्जुब की बात कि जमीन के बदले जमीन तो देवे करता है, वहां कंपनी घर बना के देती है, घर बना के दे। तो सोच सकल झारखंड के आदमी कितना कमजोर है। यह कंपनी जेकर नाम यहाँ बीसीसीएल हो ओकर जगह नाम है एनसीएल, बीसीसीएल के सेम यह कंपनी जेकर बागमारा झरिया जमा डबर सिजुआ में हो, से कंपनियां अलग राज्य में है, वहां सेम कंपनियां है, लेकिन की कर रहा है जमीन भी अलॉटमेंट कर रहा है, बकायदा घर बना के दे है और एकदम नौकरी सब के दे जगह जगह जमीन। तो हमने किसान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं, ताकि हमने अपने पूर्वज के सारा कुछ एक झटका में दे दे भाई। जमीन यानी हमने एकमात्र पूंजी चाचा का एकमात्र पूंजी जमीन, जमीन के अलावा अपन कोई दूसरा पूंजी ना है, तो हम अपन पूर्वज के जमीन एक झटका में सारा कंपनी के दे देवे कोयला पड़े रहे, तो कंपनी के दायित्व बना है कि हमारा मुआवजा मिलना चाहे, कंपनी के दायित्व बना है कि हमारा नौकरी देना चाहे। और यदि पास जमीन न है तो विस्थापित के लिए कहीं जमीन मिलना चाहिए। तो आज हम स्पष्ट रहो क्योंकि 24 गांव के बात आओ है, जब तक मुआवजा ना आए, जब तक नियोजन ना आए, जब तक विस्थापित के लिए जमीन ना आए, एक इंच भी जमीन नहीं दिया, जरूरत पड़ता है तीर तलवार झांका पत्थर जेल में तो लेके दुनिया डराई मिला जेल में तो कभी जमीन के अंदर बाप के न लगाए, न बीसीसीएल के लगाए, न देश के प्राइम मिनिस्टर के लगाए, लेकिन जमीन पर बाप के लगाओ अंदर छाती फैट के कहिए, जमीन पर बाप के लगाओ इसे बाप के छाती फैट के कहिए। शक्ति बाबू जी ने कहा ना मेला में खेले शक्ति मेला जा है ना, तो शक्ति बाबू इधर नेपाल रवानी हते नार कन्या गेले मणि दास मंडल आठ कनी गेले आगो रसी खासा ऐसा नाम गिना तो आदमी मूर्ति लग रहे हैं। तो चूंकि शक्ति बाबू के तो नहीं खातिर जाना कि हम मेला लगा तो शक्तिनाथ महतो के मेला में तो सभी जा, तो शक्तिनाथ महतो आज जिंदा है, जिंदा लोगों की मेला नहीं लगे, जे लोग माचब रहे ओकर मेला नहीं लगे। तो एक बात बाबा शक्ति महतो जो मरले आए तो की खातिर मर रहे अपन जान कह देल अलग यह कंपनी है टाटा कंपनी, यानी कोई मरला है तब कम से कम इतना लोग के टाटा में नौकरी लग रहा है, इतना लोग के मुआवजा मिल रहा है। तो सह खातिर यदि आज 24 गांव खातिर अगर 4 आदमी भी अगुवाई कर ले और शहीद भाई गए तो कोई बुरा मत नहीं, अगर 24 गांव के बचने खातिर और 24 गांव के मान सम्मान खातिर रोजी रोजगार खातिर अगर 4 गांव भी आदमी शहीद भाई गए तो खातिर गर्व थी से लड़ाई
नकलिया में जिला परिषद दिल्ली में चलो उषा तो बोल लो कि डीसी बकायदा कह रहा है कि हम कहे नहीं अपने यहाँ कचरा डालेंगे, क्योंकि डीसी भी तो सपोर्ट नहीं देते, वीडियो तो सपोर्ट नहीं करते, ताकि सो के पैसा पहुंच रहा तो सब तरक्की करे तो वह रूप धरे तो जब कभी तो बाप दादा तीर तलवार लेके टंगला पर्सा लेके धर लो छह रूप में तोरा धरे तो ककर ऊपर उम्मीद कर नहीं बताओ। डीसी पर बात सुनते मैं मंत्री विधायक पर बात सुनते ना ताकि कंपनी सबके पैसा दे तब तोरा वह रूपा धरे तो जन रूपा कभी शक्तिनाथ महतो जन रूपा कभी निर्मल दादा धर लिया से कंपनी के खोप खत्म। लेकिन आज कंपनी के खोप फिर से प्रारंभ है तो यहाँ जितना जान जुटा रहा अगर मान के चला अपन रोगी रोजगार अपन खेत खलिहान अपन गांव बचने खातिर यदि जान लिए के नौबत आता है तो पीछे नहीं हटवा डर लागो की डर लागो नहीं ना यदि जान दिया नौबत आता है तो पीछे नहीं हटिया। अरे जान दे दबा ना तो कम से कम शक्ति बाबू ने यार साल में लग दो बार याद कर तो और एक बार मेला लगे तो कितना गर्व के बात हो। ऐसे मेरे के बाप क्या याद कर की सोचा मैं क्या काम तो हाँ काम तो दस दिन घरवाली बात धंधे की घर तो बताओ कि कौन मिस्त्री से पूरिया बनाया था जी थोड़ा गीला होता तो खाने में अच्छा बनता धातु की नहीं हमको काला वाला रसगुल्ला दिया भगवान उसको पीला रसगुल्ला दिया गारो दिन में किस्सा खत्म हो जितो। लेकिन यदि हक खातिर लड़वा अधिकार खातिर लड़वा और जान भी चल जितो तो जब तक पृथ्वी रहता है तब तक तो एगो पहचान लो गुस्सा खातिर विनती करबो। आज हमने एक गंभीर लड़ाई लड़ाया था एक ऐसा लड़ाई के लड़ाई ना जकर में तोर सामना बड़ा बड़ा उद्योगपति से हो तोर सामना बीसीसीएल से हो तोर सामना सीएमडी से हो थाना प्रभारी पुलिस तो धरना मत करिए तो सपोर्ट कर दो इसे मजबूर हो हम तो बार बार कहे कि पुलिस से हमारे कोई लड़ाई ना है लेकिन ये मजबूर हो कभी तोर साथ में ना खड़ा भाई सका लो इसे सब कंपनी के लोग ला लो तो जब तोर सामना बैठो जब तोर गांव उजड़ तो तोरा स्वयं बच गए तो चूंकि भारत एक संवैधानिक देश लगे संविधान बने नियम कानून कागज कलम के देश लगे पहला लड़ाई कागज कलम से लड़िया कागज कलम से जब लड़ाई ना रहता है तो अपने जय वैभव तैयार कर दिया रेडी है ना डर तो नहीं लगा है ना देखा देखी डर लागो हो जगह जगह डर लागो देखा अपन साथ की रहो तो बता दे देखा जगह डर नहीं लागो हो वो तो अमर भय दिया या तो जमीन जगह खेत खलिहान बांट जीतो और कुछ भाइयों जीतो तो अमर भय दिया। लेकिन जगह डर लागो हो कि हमारा डर लागो है तो बुलबुलिया देख ले हा गुलगुलिया देख ले है ना बंजारा तो एक बात बतवा कि गुलगुलिया के घर द्वार ना हले हले ना वो गुलगुलिया के घर द्वार हले ओकरो मैया बप्पा में जन्म दे हले ओकरो कोई नदी और पहाड़ से जन्म थोड़ी दे हले मैया बप्पा में ओकर जन्म दे हले। लेकिन आज ओकर पास एक इंच भी जमीन ना है आज ओकर पास एक इंच भी जमीन ना है आज कभी परसिया में आके एगो तंबू गाड़ लो वहाँ दो दिन खेलो पीलो मांग लो दूसरा दिन गर्भुटी पार भाई गलो हरियरपुर बगड़ा पार भाई गलो ऐसे अपना जीवन कट है। अब जब लोके अपना चोरा नहीं दे है अपना कुछ मांगले दे है ना तब ओकर ढेकवा उठा है और गछुआ में जाए के धुआं का महीना चेहरे मार के खा है क्योंकि हमने इतना बड़ा राज रहते इतना बड़ा बड़ा बंजार खेत रहते आने वाला पीढ़ी की हाथ में की ढेका देगा चेहरे मार के खाइले तो जे नहीं लड़वा एकदम कान खोल के सुन ले अपने गाने वाला पीढ़ी के गौर रखे जगह ना लियो और इटा हमें डराए खातिर ना आए लियो हमें डरवे खातिर ना आए लियो जहां तक देखे पावा दामोदर नदिया तो इन जले जीवा धनबाद जीवा तो इन्हें झरिया पाथरडी जमा डोबा भौरा गोरखुटी जहाजनाट बोकारो जीवा तो दुगदा चंद्रपुरा कठारा बैरवा भूतरा सुन ले है ना आपूस कुटुम तो हतो ना आज एक बित्ता जमीन न खाए बड़का बड़का कोयला के खदान भय गलाय हाँ एक पीढ़ी के नौकरियां मिल रहे एक पीढ़ी के नौकरियां मिल रहे। लेकिन हम एक बात बार बार कहो दुनिया के सबसे धनी आदमी है लोग नाम वाले बिल गेट पता नहीं मैंने थोड़ा सा जो सीनियर है अपनी सुन ले है कि ना ये लड़का पट्टी सुन ले है तो या फिर जो नौतन नौतन पुतैया नहीं ले हो अपनी बुझाओ बिल गेट्स के नाम सुना ना बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी है जैसे मान के चल धनबाद में कोई ना कोई तो होता है सबसे अमीर आदमी आता है ना कोई भाई परसिया में कोई सबसे अमीर आदमी आता है ना तो ठीक पूरा दुनिया के सबसे अमीर आदमी लग ले बिल गेट्स से हमारे बिल गेट्स पूरा दुनिया के अमीर आदमी है
लेकिन आज बताओ दुनिया का सबसे अमीर आदमी ना है तो की घर लगे घर लेके चोरी कर ले, लेकिन चोरी ना कर ले अपर एक कंपनी है जिसे हमने बिजनेस करा क्यों दुकान दे रहा कपड़ा दुकान राशन दुकान मुर्गा के दुकान मीट के दुकान नाश्ता दुकान पान गुम की दुकान दे रहा ना तो तैसे अपर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट चलाए और बेच के उठी कर ले बताओ 3 लाख एकड़ जमीन किन ले 3 लाख एकड़ जमीन यानी आधा धनबाद जिला यानी जो सबसे दुनिया के धनी आदमी हलाय जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हलाय वो की कर ले पैसा बेच कर ले जहाँ से पैसा कमुआ हलाय वो कमुआ बेच के जमीन के लेकर है ना सब नौकरी 40 साल छाती तो बिजनेस कर रही तो 30-40 साल 50 साल लेकिन जमीनवा आजीवन रहते दुनिया के सबसे अमीर आदमी लगे बिल गेट्स आज अपन जमीनवा बेच के वो 3 लाख एकड़ जमीन किन ले 3 लाख एकड़ बुझा हा हमने तो 3 एकड़ जमीन 3 एकड़ हमने बना 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ हार्डली एक बुझा के 10 एकड़ हतो 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन हमने क्यों वो 3 लाख एकड़ किन ला यानी 3 में 1 0 दबे तो 30 R0 दबे तो 300 R0 दबे तो 3000 R0 दबे तो 30000 R0 दबे तो 3 लाख इतना जमीन की यानी हमने से कई गुना ज्यादा जमीन गिन ला है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का है ना नौकरी कुछ समय खाती बिजनेस कुछ समय खाती ये जमीन वहां जिंदगी भर रहता तो सह खाते पहला बात जान लिया कुछ भी करिया हमो चाहिए कि हमने बीच के लगा नौकरी करते मास्टर बनिया डॉक्टर बनिया इंजीनियर बनिया लेकिन जमीनवा से कभी अपन मोह खत्म नहीं करिया जब भी जमीनवा से मोह खत्म कर भा तो कुछ नहीं बात हमरे एक मामा बुढ़ा हले हमारे मौसी आए लोग कुछ लिया वो सिमरी साहब के बड़ा बाबू हले हमारे मामा बुढ़ा यानी हमारे मैया के हमारे मौसिया के मामा सिमरी साहब के बड़ा बाबू हले जब अगर नौकरी रिटायरमेंट भाई गला जाके हार जोखे लगे खाली हमने किसान घर लगा सबसे पहला बात याद रखिया कि हमने कोई व्यापारी नहीं लगा यदि हमने व्यापारी रहते लिए यदि हमने कोई मड़वारी रहते लिए तो हमने के कोई 10 रुपया देते लिए तो हमने 100 रुपया कर लेते लिए लेकिन चूंकि हमने किसान लगा चासा लगा यदि कोई हमने के 100 रुपया देते ना तो 2 दिन बाद 50 और 2 दिन बाद 25 मांग यानी अगर मतलब हो कि हमने पैसा से पैसा नहीं बना सका चासा घर एक लोग ध्यान से सुनिया हमने बाप दादा के खून में हटे हो कि हमने पैसा से पैसा नहीं कर सका यानी कोई 10 है तो 20 नहीं कर पा रहा तो हमने में की गुण है कि अगर हमने मटिया देता है ना तो अगर मैं 4 प्रकार के फसल उगा सकता क्योंकि हमने चासा लगा तो सही खातिर एक बात हम स्पष्ट करो किसी भी हालत में अपन जमीनवा बचेगा क्योंकि आने वाला 20-25 साल में बहुत बड़ा संकट आज जब आंधी और तूफान आवा ना एकर से कई गुना ज्यादा खतरनाक आंधी तूफान यहाँ के लोग के जीवन में आवे वाला हो जबरन तो जमीन लिया लिए तो मारपीट के पुलिस 353 के फर्जी केस लगे तो मुकदमा में फंसे तो तोरा जबरदस्ती तोर घर से भगाए प्रयास कर तो तब याद रखिया मिल के लड़िया नहीं तो कुछ नहीं बांटते आप थोड़ा सा हम कुछ कारण बतवाइयो कि हमने जमीन आखिर कैसे अपना नुकसान हो आज यहाँ मुनि भी देखा कितना बाहर के लोग आए के रह लगले बैस गले केनवा कर के तो एक समय जाहिर सी बात है जमीन हमने के हले कभी जे भी समाज रहे जे भी गांव रहे ये जमीन कभी ना कभी हमने के हले लेकिन पहला कारण हमने के हलो कि हमने के आदमी में शिक्षा ना हलो एजुकेशन में रह कारण वो दूर तक नहीं देखा लाए कि आने वाला 20 साल में हमारे साथ की घट गई ओकरा के कह दे हले एक फल्ला तो दुए को गिदा रहो इतना जमीन की का भी लिख दे हले ठेपा लगाए दे हले यानी हमने दूर तक नहीं सोचला कि भाई हमार दूगो है लेकिन ओकर दू दुनी 4 घटता है ओकर 4 दुनी 8 घटता है ओकर 8 दुनी 16 घटता है तखन कहां देखो तो ऐसा करके हमने पहला जमीन ले लेलो दूसरा की कर लो पिए लो ठेपा लगा लेलो आधा ले लेलो ओकर बाद की बोलो कि हमने थोड़ा सा देखावटी करिया हमने अपन आप के देखाए प्रयास करिया जैसे कि कोई अगर बढ़िया गाड़ी लगाए तो हमने जमीन बेच के कहने लगाए लेकिन लिया प्रयास करिया तो सह करके देखावटी भी मत लिया बाप के जमीन बेच के पप्पा दादा के जमीन बेच के 9 लाख का हार मत लिया तो बाद अगर हमने क्योंकि सभी ने बतिया के रख ले दहेज मोती बाबू भी रख ले उषा जी भी रख ले तो हमने जमीन बेचे में एक कारण दहेज भी हो हाँ ना जमीनवा बेच के हमने दहेजवा सौदा तो हम चूंकि एक छोटा सा उदाहरण दे हालांकि हमारी कोयला पे बात कर वो बीसीसीएल पे बात कर वो नियम पे बात कर वो लेकिन चूंकि जमीन के बात है लो तो हम एक छोटा सा उदाहरण दे वो कि दहेज अभी चला हो ना ये दहेज हमने ना लगो दहेज हमने बीच के ना है लो
यानी आज से अगर 30-40 साल पीछे 20 साल अगर पीछे थी वहां, जैसे कि यहाँ जितना नानी सब आई ले तो अपनी बहन लेके ले आती क्योंकि इस विषय का हम आज के विषय हमारे को नहीं लगे, लेकिन इस विषय का नहीं खाते रखे हो, क्योंकि हम जमीन पे बात कर लियो, जब जमीन पे बात कर लियो तो दहेज कर लियो इस विषय के रखे हो, तेकर मतलब की लगे। एक बात सीधा जाए, यहाँ जितना लोग बैठले हा हमने बाप दादा में जितना नियम कानून करल हो ओकर कोई ना कोई मतलब हो, बिना मतलब कि हमने खाना भी नहीं खाई, बिना मतलब कि हमने कुछ नहीं कर ली है, तो आज इधर डाला गया जकर में लूगा फाटा गया एकर नियम के लिए पता हो एकर मतलब लगाए कि कन्याई के माय में खुशराइन के लूगा कहा दिल न ओकर गिनर है खुशराइन ओकरा गोने हाथ से तेल कर लेते तबे ना दिल तो सही खातिर कन्या के माय में हम बार बार तो नहीं करवा कन्या की बात क्या करे लड़कों के जन्म में खुशरा ना हुआ है तो लड़का के जन्म में अगर अगर मैया खर्चा कर है ना तो लड़के सोच दे क्या लड़का हमें रहा है लड़किया के सोचने का मौका नहीं मिला लड़का ब्याह करके चली जाए यानी लड़का में की करा है सोच दे सही खातिर कन्या पे दोष लगा है यानी चूंकि लड़किया के जन्म में लाए सही खातिर अगर मैया में उसराइन के लुगा दल खुद नाता दिन तक एक लुगा में उल्टा हल खटिया में तो खुद नहाए बाद नया लुगा पिन लय और चूंकि घोड़े हाथ से तेल लग ले, तो तेल हल यानी कुल मिलाकर इतना सामान उलल जितना नाता दिन तक वो खर्चा कर ले हल यकर मतलब हल जब लड़का वाला शादी करे के तैयारी करे लगल तो लड़का के बप्पा लड़का के काका लड़का के मामा वो चर्चा कर ले वो चर्चा कर ले कि तुम उस लड़की से कैसे शादी कर सकोगे वो तो ऑलरेडी अपन महिला के कर्जा खा लो अब तो अगर कर्जा वाली लड़की से शादी कर भी तो अपर दोस्तों तो लग दो क्योंकि हमने समाज में बतिया बोला था कि कुछ भी करिए तो अपना कर्जा खा के नहीं मोरिए नहीं तो मोरलो बंद कर दो बोले था ना यानी कर्जा नहीं खाइए कोकरो तो कन्या चूंकि कर्जा खा ले तो अगर मैया में जल्दी खर्चा कर ले तब लड़का वाला कहला है कि कन्या के माय में नरता दिन तक जे जे सामान के छुअल हो वो सामान के वापस कर दे सही का मैं खुशराइन के लूगा कन्या एक मैया के लूगा तेल हरदी सौंठ कुर्थी आर सामान रहा है एकर मतलब की समझ ला कि जन समाज में नियम हलाय कि उल्टा कन्या एक मायके दे हलाय अब मेन बात यह हो कि जिस समाज में ये नियम हलाय कि उल्टा बोरे के बप्पा में कन्या एक मैया को उल्टा दे हलाय तो उल्टा लिया कैसे लग ले आज 30 साल बाद ये नियम उल्टा कैसे भई कन्या मैया के दे हले ना बोरे बप्पा में दे हले कि भाई वो कर्जा ले ले है अगर कर्जा सोच तब जाके बिहार करियो तो आज सोच सकल है एकर मतलब इटा लगे कि दहेज भी कहीं ना कहीं जब बाहर के लोग तोर साथ रह लग लो इतना इतना क्वार्टर बन लो इतना इतना कोलियरी बन लो टाटा बन लो बीसीसीएल बन लो तो जब बाहर के अपने तौर से रह लग लो तो अपन पर्व त्योहार भी सिखा लो और दहेज भी तोरा सिखा लो ऊपर से मनसा पूजा गेड़े के जगह तोरा पाठा भी काटे सिखा लो कहे न तो खर्चा बढ़तो कहे कि तो खर्चा बढ़तो अब भाई अकर पीछू अकर की चमा की हले कि बढ़िया आदमी तोरा एक है दहेज सिखा लो तोरा गड़िया के जगह बकरा काटे सिखा लो कहे तोरा पैसा के खर्चा करे कहा सिखा लो न तुम्हें सीधा साधा भोला वाला तो पैसा खर्चा कर में आप पैसा यदि खर्चा कर में तो दे तो के तोरा जाहिर सी बात तो कर्जा दे तो जब तक कर्जा नहीं सौदा पा भी तो की ले तो जमीन वाले तो बस ऐसे मामे डाल लो कहे तो अपनी बहरियन लग लो वो जमीन लेके ना आए कोई बहरियन जमीन लेके ना आए लगाओ जितना भी आज क्वार्टर में बस लो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए ले लो वो नौकरी करे आए तो बीसीसीएल में टाटा में पुलिस में बीडीओ में जमीन लेके ना आए लगाओ तो तोरा इतना नियम सिखाए दे लो तोरा इतना कानून सिखाए दे लो कि तोरा एक दिन इतना खर्चा कराए दे लो खर्चा करते करते बरियो बेचे लगले खेतवा बेचे लगले हर लास्ट से तोर सारा ले कि बतिया तोरा के वाज तक नहीं बोलो लगो आज तोरा हिसाब से कह दे हो सही खातिर तोरा एक इगला सिखा लो दहेज भी तोर नहीं बाकी जितना भी नियम है लो इगला तोर कुछ नहीं लग लो तोरा इतना कुछ सिखा दे लो ताकि तोर यहाँ पैसे नहीं रहते जब पैसा नहीं रहते तो कर रहे की खेतवा मैच और जरूरत पूरा कर तो सही खातिर आज अगर आज चलाक नहीं बोला तो मैका लिया खरगोक मारिया कौआ मारिया फेंकते रह गया यदि आज नहीं समझला अगर आज नहीं बुझला तो ढेका उठैया गे मिल तो कौआ मिल तो मैना मिल तो
मौत मिलता बहुत बड़ी ज्यादा मिलेगी भाई। सेटे खाए बाकी आज यदि ना सेटा खाए तो कुछ भी करी हा, जो रथ बढ़ता है तो नारी शक्ति अगुवाई करी हा, लेकिन आज के बाद किसी भी योजना में किसी भी परियोजना में एक इंच जमीन दिया से पहले टेबल टॉप करिया पार्टा करिया और अपन जब तक हक नहीं मिलते एक इंच जमीन नहीं दिया। एक दिन रागे की बोलिए पता हो लोग हंसे लगल थे रागे गुस्सा समेत बतिया एक दिन कहलिए कि कोल फील्ड में जितना लोग रहा कोयला के खदान के धारी धारी जितना लोग था तोड़िया दो को किधर नहीं जन्मैया चार को जन्मैया। लोग हंसे लगल ये बाबू ते पढ़ल लिखल भाई की बतवा कहा बोल जले हम कहलियो हम डेढ़ साल से पूरा झारखंड घूमियो जहाँ के लियो सबसे बड़ा समस्या हो तो जमीन के हो सीओ दलाली कर रहो तो भले थोड़े सीओ ईमानदार रहता हम नहीं कहियो सीओ बेमानी कर रहो तो जमीन के एसडीओ बेमानी कर रहो तो जमीन के फैक्ट्री बेमानी कर रहो तो जमीन के कंपनी के चाहे तो जमीन चाहे सबके तो जमीन चाहे तब जाके हम बतिया कहलिए चार गो जन्मैया दो गो के डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना हो बनैया एक गो के नियम से लड़ैया कागज कलम से यदि कागज कलम से लड़ते लड़ते अगर कुछ भाई गलो तो जो चौथा हो ओका सीधा तलवार दिया और भैया का काट के गिरा भी की गलत बोल लिए शक्ति के मारे वाला कंपनी निर्मल के मारे वाला कंपनी जितना लोग खींचे मारे ले सबके कंपनी मार ले केकरो बीसीसीएल मार ले केकरो टाटा मार ले हम की गलत बोल लिए बताओ तो की गलत बोलिए हमें तो मरते रहो हमने की खाली हमें मरे ला लिए की जबकि जमीन हमार खेत हमार खलिहान हमार तो मरे ला लिए की तब हम बीच ये बतवा हमारा मजबूरी में रखे गला कि जितना लोग कोल फील्ड में आ अब कैसे गलत बोल लिए ये देखा अभी सदिन पटिया में झगड़ा भई गले की झगड़ा जमीन के ककरा चाहे जमीन ईगल कंपनी के हाथे बोलियारी के सवाल लो इक ढोल मंदिर से बोलियारी के लगो जबरन हाथे एक गांव में जमीन अड़ल गड़िया बगले में हो वहां चाहे बीसीसीएल के जमीन तो नदिया पार जी भा चंदन क्यारी साइड दीवारदा साइड तो वहां गैस निकलो लो वो चाहे जमीन बताओ तो कहां रहा हम की गलत बोलियो बोला तो हम की गलत बोलियो कहे कि तोर जे बेटवा डॉक्टर बन तो इंजीनियर बन तो वो जमीन में नहीं बचियो कर तो वो कहता तो मैया जे हो बेच ना चल बेंगलुरु में रह पे कते दिन रामी कतना दिन रामी इंजीनियर बेटिया में कहते हैं मैया छोड़ लेना कहे प्रॉब्लम में पड़ते हैं चलिए कलकत्ता शिफ्ट हो जाएंगे कते दिन रामी सह खाते बोलियो कि एक ओके नियम से लड़ाओ और कागज कलम से लड़ाओ और धरना में बैठाओ का खुद धरना में बैठाओ लेकिन यदि उम्र के लोग सुनो तो चौथा जगह रात रहे और टांगा भी बचना भी फसा भी जय मिलो सीएम भी हो चाहे जीएम हो सीधा कर देगा परिवार ना की जबकि और लोग के गर्दन काटल गए बिना मतलब के कटल गए हम तो बचाए खातिर मारे कर हम तो तोरा बर्बाद है से बचे खातिर कायो कि तो आई हाथ कंडा हम जाने सहाय खातिर भले सोने में हासिल आप तो हाय हाय तो लोग कहा कि जिधर की कहा लेकिन हम मजबूरी में कायो कि हम दो हमारे दोनों हैं कॉल बिल में जितना हा मैंने जितना नौकर दादा से बिहा कर ले हा चार गो किधर जन्म ही था चार गो जन्म ही हा भूख और जय बनाना डॉक्टर बनाओ इंजीनियर बनाओ वकील बनाओ मास्टर बनाओ मास्टरनी बनाओ कंपाउंडर बनाओ जय बनाना हो भूख और पढ़ाईया लिखाईया ये लोग के नियम के जानकारी दिया ताकि लड़े पड़े और चौथा के आधार घर रख दिया ओकर ना आधार कार्ड बनता है ना ओकर राशन कार्ड बनता है ना ओकर वोटर कार्ड बनता है ना ओकर पैन कार्ड बनता है ओकर कोई कार्ड नहीं बनता है ओकर रोज ग्रेजुएट ले खाली इतने बताइ हां जे रही जे खतवा देखा है ना इंदू कंपनी से ले ले हो ना इतर पप्पा के जमीन लग गए इंदू कंपनी हो ना इस साला हैदराबादी इतर पप्पा के जमीन लग गए तोरा जय खाना हो बेटा खो दूध खाना हो दही खाना हो मट्ठा खाना हो कोई बलगर बन और तोरा एक मुड़ी करते हो चौथा बेटा कैसे बताइए आज मजबूरी में इस बात को बोल रहा हम न्यू सोचल
लिए कि पढ़ा लिखा की तरफ लाइए, पढ़ाई लिखाई करके आंदोलन करवाए। हेलो, माइकवा तरी ठीक करा मामा, सही तो तय हो। टाइगर है भाई, मशीन खराब कर सकते हैं लेकिन टाइगर खराब नहीं। मजबूरी में पूरा 2 साल घोलिए, पूरे झारखंड घोलिए, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लगभग 19-20 जिला घोलने बाद आज हमारा मजबूरी में बतिया कहा, भले सुनने में मजाक लग रहा है कि बतिया हमारा कह गए कि बेटा कोल फील्ड में जितना लोग था 4 लाख जन्मैया हमें करना की बेटे रह जाए। अरे बेटियों लड़को, अभी आये हो लक्ष्मी कुमारी आये हो जहाज चार केला हो वो देख ले कहीं भौंकी इसी लेके घुरा लो कहने है भाई बेटिया तेरी दिखाई दी चढ़वा बेटा ने सोचा की बेटी लड़ते चार को कहियो मैंने चार को बेटा रहे चाहे बेटी रहे हर नाइट बस देखिए लाल आदे इंदो कंपनी जमीनों तो साहब कहाँ हैदराबाद के जमीनों तो लगो ना कहने अरे साहब बड़ी हमने बार बार सुना है आदे बिचनो भी हो ये है ना जमीन में तोड़ लगो ना क्या कर ले ही कर ले अब चार को जन्म ही है अरे इंदो कंपनी हिसाब कर ले देख ले सामने हो बोलो दूर ना चाहे कितना जमीन के लो कितना एकड़ 2 एकड़ कुछ नहीं मिल ले बताओ हम की गलत बोल लियो डीसी भी पैसा खा ले हो एसपी पैसा खा ले हो बताओ हम की गलत बोल लियो भले सुने में हाथी लग लो की बाबू सरकार का हम दू हमारे दो थोड़े चाय का तो मजबूरी में पड़ लियो अरे बतवा हमें केवल गोल्ड फील्ड खातिर कर लियो हमें कहाँ कर लियो टोपचाटी वाले ताकि हम टोपचाटी घर लगो वहाँ एक बिस्तर जमीन लग रहा है कोई फैक्ट्री नहीं कोई कोई इलाके नहीं कोई कंपनी नहीं कुछ भी नहीं हुआ वहाँ सीधा सीधी पहाड़ है पारसनाथ और पहाड़ के नाम से जैसे लोग के डर लगे पता हो आज से 30 साल पहले का आंदोलन खा रहा है कोई हमी का आंदोलनकारी का डरवा रहा है और लेक की खिचड़ी बनाई खाई रहा है ऐसे पहाड़ के नाम से बात बात करते ऐसे तोपचा की नाम सुनाए ललकी पहाड़ के नाम सुनाए पारसनाथ के नाम और ऐसे बाप बाप करे तो वहाँ फिलहाल समस्या न हो समस्या कहाँ हो जहाँ दामोदर नदी हो जहाँ दामोदर नदी हो इपार हो चाहे उपार हो इपार कोयला उपार गैस हो जहाँ दामोदर नदी हो कहाँ के लोकवेंट की बतवा कहियो कि हम दो हमारे चार होने चाहिए लोगों के हाथों में हथियार होना चाहिए एक के पास कलम का दूसरे के पास टांगा का बकायदा विकास बाबू बतैलो गोर खुटी में 600 एकड़ जमीन खतियान खतियान पर रही गलो बक्सुआ में खतियान तो बक्सुए में हो और बीसीसीएल तो 600 एकड़ जमीन मेहमानी से कब्जा कर ले लो कहाँ गोर खुटी में आगो कोई गांव हो अगर 800 एकड़ ऐसे नहीं है जितना गांव हो सब को है हाल में सहल याद की लड़ाई थोड़ा लड़े ताकि अगर आप चुप कर रहा तो आने वाला पीढ़ी तो आपसे हिसाब मांगतो की कोई की कर ली अच्छा एक बात बताओ ना डर तो ठीक है तो डर लग होती है अरे डर लग होती अरे इधर बिहान बिहान सूरजवा देखा है ना ये मर जीते एक दिन सूरजवा मरते ही चंदवा मरते ही पृथ्वी मरता है ये दामोदर नदिया के पानी एक दिन खत्म हो जाता है हम आत्मा इंसान लगाता है कि डर यहाँ जिंदा रह क्यों ना है एसपी रहे डीसी रहे विधायक रहे सांसद रहे या कोई रहे यहाँ कोई जिंदा रहना है सब मरता है तो सह खतरे याद रखिया कोई यदि हमने घात अधिकार के चिंता है यदि कोई हमारे पे जबरन करता है तो अगर मारे पड़ते तो मरवाए लेकिन अब एक इंच भी अपना विकास से समझौता नहीं करवाए अरे ऐसे तो जाके देखना कोल फील्ड के की नियम है प्रदूषण से लोग मर गया मर लो कि नहीं मर लो ऐसे मर गलो प्रदूषण से मर गलो बीमारी से मर गलो और 2-4 बजे दारू पी के फिर भी खराब बैठ गए ऐसे तो मरिए रहा कब जिंदा एक्सीडेंट भाई गलो क्रेंट लग गलो भटिंडा में डूब गलो दामोदर नदी में बहाई गलो कब जिंदा रह ले बताओ तो मौत से नहीं डर यहाँ लड़ाई अधिकार के लगाए लड़ाई हक के लगाए कैसे ना कह के अपना अधिकार बचाना हो और आज
झारखंड के सबसे बड़ा मुद्दा है अपन जमीन के बचाना, खासकर दामोदर नदी। यदि आज जमीन न बच लो तो आने वाला पीढ़ी कुछ न बचो, आने वाला पीढ़ी के पास कुछ भी न बचो। शेख अब्दुल्ला स्पष्ट किया चावल कि दामोदर नदी के किनारे जितना है सबसे पहले अपन जमीन बचाइया, चाहे जमीन छीने वाला अडानी रहे, चाहे बीसीसीएम रहे, चाहे कोई कंपनी के दलाल रहे। धोनी के तो घटना सुन रही हो, जैसे अभी हमने मंडल बाबू बोला तुम खुराना के नाम 1894 में आए हो, कैसने मधुबन में गुजराती आए हो तुम अरबपति, अभी भी है ये अपनी के राज है, जमीन सो हमने के आज राज अपनी के। तो एक लड़का हलाय अपना जबरदस्ती कर ले जमीन में मार्केट में हो तोरा दी है, तो मधुबन के कहानी लगो कहले तोरा जमीन मार्केट में हो तोरा दी है, तो बोले हम शिकायत करेंगे थाना में, हम शिकायत करेंगे डीसी को, हम शिकायत करेंगे एसपी को। गुजराती की बोले पता हो, अरे तुम किसको शिकायत करेगा जब देश का प्रधानमंत्री मेरा है, तुम किसको शिकायत करेगा, तुम्हारा शिकायत कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जितना उसका सर पे बाल नहीं है डीसी का उतना हम पैसा देने को औकात रखते है। विधवा कांदे लगे कि भाई डीसी हमार नहीं सुनते, एसपी हमार नहीं सुनते तो क्या सुनते है? तो तखन है एक डेढ़ महीना आंदोलन के फैल वो लड़का फरवरी पिछला फरवरी महीना में हमारे घर अले हमारा बताइए, हमें ओकरा एक लाइन कहिए कि हम भी कोई मसीहा नहीं लगे भाई, झारखंड में 32,000 गांव हो, 32,000 समस्या हो, समस्या तो लगो समाधान तोरा कर तो कह रहे दादा कम से कम रास्ता बताओ, हम कहे देखो अरबपति लगे टाका गोकर लगाए कोई टंगा लेके दुआर में खड़ा भाई कोई माई के लगता दुआर में नहीं मोतीलाल डुबरी से आया पूछ लिया मगर घर के सामने एक मिनट बकायदे लड़का इसने कर लाए रात ही बप्पा के एक बात का एजेंट हमें टोनी का भी बोले कि बप्पा तो दू गो बेटा हो ना तो मान लिए वो बच्चे एक्सीडेंट में मर गए, कहे कह रहे की कर भाई ना बेटा बप्पा बहुत बड़ा लड़ाई लड़को वो अपन बप्पा के रात ही बैठा के कहला कि तो एक ही बेटा हो मान लिए वो बेटा एक्सीडेंट में रोड में मर गए, टांगा ले लाए और सीधे खड़ा भाग लाए और कहे देखिए खड़ा प्रभारी हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, जिसको मेरा जमीन चाहिए उसको भेजिए, लेकिन एगो शर्त है, एगो मुड़ी देंगे लेकिन एगो लेंगे, हिसाब बराबर करेंगे, जमीन बाप का ही ले जाइए। हाँ मुड़ी दे हमारे मुड़ी ले और नहीं जो हम बाप पे कह के लिए कि तोरे को बेटा रोड एक्सीडेंट मर गया, आज फिलहाल अपने बाप फोन ना ले, अब पता नहीं लड़का जिंदा है कि मर गया अभी क्योंकि 2 साल भर गया है, मैंने दोबारा हमारे तक फोन न आए मतलब हमारा बुझाव ठीक ठाक है, कुछ नहीं कर ले कर ले किसी जब ना मुड़े चुन ना अपना टाका हमारा की कर ले, मतलब हमारा जब मैं अस्पी चुन ना अपना टाका हमारा तो की कर ले, लास्ट के अटैक कर ले टांगा लेके खड़ा भाई गले बप्पा के एक लाइन कर ले कि तो रेगो बेटा एक्सीडेंट में खत्म भाई गलो लेकिन जे आयता ओकरा लेबो या भाई दो बेचे ले साई खातिर आज कोल फील्ड हम बार बार रिपीट करायो कोल फील्ड कोल फील्ड कोल फील्ड कोल फील्ड के लोग के ये लड़ाई तो लड़े ताकि तोर खेव ना हो, जे हो तो गांव के लोग कोई नो जे हो तो नहीं है कहां के थाना पर भारी कुटकी थाना तो रोज जाइए आज तक समस्या समाधान ना जाए कहां दिन जिला के पदाधिकारी यहां कहां दिन है कहीं तोर समस्या के समाधान ना हो, तोर समस्या के समाधान तब हो जब तक शक्ति बने पार में, यदि तुम्हें शक्ति बने पार हो तभी तुम्हें शक्ति है, तो इस बात की याद रखिए। हाँ भाई दादी कहां ने लगे अरे लाल लोला वाली बस ऐसा नहीं चला जैसे तो हम भैंसुर लगे बट लाजो मत बोल भगवान लगे बोल लगे पानी पिए जाते जो कोई दिक्कत हम ले घाट जाए जो तो जो गोरु मिला बाहर करे जा लेना जो भर गया तो अब एक बात हम स्पष्ट करो एक बात हम स्पष्ट करो क्योंकि बीता इस साल में कई साल में हमने करो कुछ दोष है दोष की रकम है ना भी जो हमने नूतन दीदी के लिए बिहार के जाओ चाहे नूतन भौजी के लिए बिहार के आओ अपने के गोबर से गमक लागो एक बात हमेशा याद रखिया जन्मदिन चाचा घर धिया पुता के जन्मदिन किसान घर धिया पुता के गोबर से गमक आवला तो
सेकंड सोच ले पर रहे हैं अब क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार के धर्म आस्था देवता भूता भगवान अल्लाह के माने वाला लोग अच्छा बात है सोच के हम आदर करे सम्मान करे लोग अपन ईश्वर अल्लाह खुदा ने कहा पूजा गॉड के भाई गुरु के कि हमारा कुछ इस जीवन में भला भले कुछ पुण्य मिलते लेकिन बताओ हम बार बार कहते रहिए कि दुनिया में सबसे पुण्य के काम अगर देवा है ना कहीं तो किसान का खेत से देवा ये पूरा दुनिया में यदि तुरा सबसे ज्यादा पुण्य कहीं से मिलते सबसे धर्म और यश कहीं से मिलते तो किसान का खेत से मिलते कैसे पता हो अभी जब धान हमने रोपा और धनवा जब पाट जाए बुझा ना बतिया बुझा ना जब धनवा पाके लग रहा है तो सबसे पहले धनवा क्या खा है जब धनवा पाके लग रहा है तो सबसे पहले कि हमने खा ले इसने सबसे पहले देखिया खेतवन में मूसा रह के तो धनवा के चबे को फैटो नोचो अपन कटवा बोटो तो केवल मुसुरे हमारे धनवा नहीं खेल बल्कि खेते खेते हमारे को आशीर्वाद भी दल कि देख रहे चाचा तोर चलती हमारे परिवार के पेट भर लाए तो हमें तोर आशीर्वाद दिलियो हमें दुआ दिलियो कि तोर परिवार हमेशा भर ले हो गए हमेशा भर ले पूर ले रहते यानी देख तोरा आशीर्वाद क्या दिलो एगो मूसा में दिलो एक से बड़ा पुण्य है कि कुछ एक अकोरा एगो मूसा में आशीर्वाद दिलो कि किसान तो खुश रही है तो अगर खुश रह में अगला साल फिर खेती करवे और हमारे पेटवा इसमें भरते रहते हम की हेलो खेतवा से तो धनवा काट दिला जखन खड़ा हाल तखन मुसवा में खेलो लेकिन जखन काटला तो दो चार को बाल नीचू गिरलो ना दो चार को बाल नीचू गिरलो धरतिया में गिरलो जब धरतिया में गिरलो तो ककर हार बनला है चेरे चिन्नी में आकाश में उड़ा हो खेतवा में हलो तखन मुसवा में खेलो धरतिया में गिरलो तखन चेरे चिन्नी के नजर पड़लो अब ओहो खेलो सिर्फ खेलो की अगर हमने ककरो खाए तो अगर दुआ दे है कि ना तो खाल बाजू चेहरे चिमकी ने भी तोरा दुआ दिलो तोरा आशीर्वाद दिलो कि अरे किसान खुशहाल रही है तो चलते हमें पूरा परिवार के बेहत हो रही अब धनवा मुड़िए लाद के अभी ट्रैक्टर आ लगल है मुड़िए लाद के खरियनवा में आके डिंगा दिला जैसी खरियनवा में डिंगा लहा अब ककर हिस्सा मिल है देखिए जैसी खरियान में आके डिंगा लहा फोटा पिपरी आ गेलो खरियान में जैसी डिंगा लहा खोटा पिपरी आई गलो चींटी निकली गलो हमने अंदर से यानी वो खेलो खाल बात तोरा वो आशीर्वाद दिलो किसान जैसने रही है तोर परिवार भरल पूरा रहता है तो हमेशा खुश रही है ताकि तोर चलती हमारे पेट भर ले आप की भलो माड़ा माड़े बोला ना मैंने माड़े बोला अब हमने पूरा झारखंड घोल तो भाषा तो भी मिक्सअप भाई गलो ना मैंने होने हमारा नहीं तोरा नहीं हमारा तोरा सब मिला के कह देवे अब मारा घूर ले बाद धनवा एक दिखे और कौरवा एक दिखे अब बताओ कि कौरवा हम नहीं खेलिए नहीं खेलिए ना फल गोरु कड़ा के खेलिए बहुत आशीर्वाद दिलाए आप धनवा के कुटलिए ढेकिया में कूट चाहे मशीनिया में कूट कुटे तो हमें कर दो यानी एक दिखे भोसवा और एक दिखे फल चुड़वा क्योंकि भोसवा हम नहीं खेलिए फल कोई जीव जंतु खेलिए अब की हलात चुड़वा की डायरेक्ट खाई गई है चुड़वा जो हलाय की हमें डायरेक्ट खेलिए सुखवा में लेके पूछ लिए लेकिन सुख लगे महंगा रुपए काम और कोई हाँ ना कुछ नहीं खा रहा सब डिजिटल है सुखवा में मैया में मुसिया में ममिया में कबिया में पूछ लो और पूछते पूछते भी की भेल है कि बेसका चोरा है ने और खुदिया गिर गए अब खुदिया की हमने कहे मुर्गिया के चेंगनावा के यानी ओकरो हार देख कहां कहां खाए रहा है हमारे एक दिन के अर्जंटा मुसुया खेलाय चेन चेरा चिंगी खेलाय खरिहान में खोटा पिपरी खेलाय गोरु करा खेलाय आप मुर्गी चेना खुदिया खेलाय आप की कर ला अधम दलवा अधम दलवा की खेलाय एक दी के मार एक दी के भात मड़वा क्या खेलाय सगरिया नहीं खेलाय मड़वा सगरिया नहीं खेलाय पंठ में नहीं खेलाय खेलाय ना अब हमनी खेलिए भतवा अचार दे के सब्जियां दे के भुंजिया दे के कितना लोग कोटे थरिया चाट के खा कोई जूठा माचा है ना अब जूठा बांस गेला है तो क्या खेला है बड़ा कुकर है सोच के देखा किसान ने धिया पुता आज तो हमें खेती नहीं करे खोजा हाँ तो और से बड़का पुण्य
क्यों नहीं कर रहा है? कैसे स्टार्ट कर लाए? मुसवा से फर क्या कहलाए? चेहरा चिंगी में फर क्या कहलाए? पिपरी खाटा से पहले फर कहलाए? घोड़ू का फर कहलाए? मुर्गिया फर कहलाए? छगरिया और लास्ते कहलाए? बाणा कुकर ये तना अपना भी खोला अभी तो गमक नहीं ना लगता है गोबर से नहीं ना लगता है नूनी साहब तोने गोबर छुपा ना ताकि डिजिटल नूनी की लगता डर लग रहा है ना हाँ ये लागू बैठे पैसे मतलब डिजिटल नूनी लग हाँ तो डिजिटल नूनी की लात तोनियो खुशी के लाना कितना सुंदर हमने पुरखा खेती बाड़ी कितना लोग पेट भर लिए कितना लोग के आशीर्वाद दिलाए तो सारे खातिर अपन खेतवा बचाए के रखिया ताकि खेतवा ना है वास्तव कुछ ना है वास्तव अब बहुत डर जाता है कि भाई आंदोलन लड़ पाए इतना बड़ा बड़ा अधिकारी है तो विकास बाबू ने बड़ी विस्तार से रख लाए गोंडलपुरा में लड़ाई भलाई कृषि कानून के लड़ाई भलाई अरे तोनी यहाँ बैठले सब महिला लगा ममता दीदी के नाम सुना था ममता बनर्जी धारे को मुख्यमंत्री है जैसे हमने हेमंत सोरेन सीनियर हिया को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है ओकरो प्रदेश में ऐसे जमीन के मैटर हलाय टाटा नैनो 1000 एकड़ जमीन ले हलाय उठाई के पटाई के बाहर फेंक कर एक महिला तो सारे खतरी बात के नहीं सोचिया ये बीसीसीएल लगाए बीसीसीएल लगाए चाहे सीसीएल लगाए अगर तोहनी में चीद है अगर तोहनी में लड़े के मरे के क्षमता है तो बीसीसीएल के बाप के वापस बुराए दबा वापस कर दिलाए सिंगरौली और नंदीग्राम में सारा जमीन किसान के वापस कर दिलाए जमीन दे दिलाए बेल बाद ममता बनर्जी बुलाए दिलाए तो तोहनियो लगा कि ना तोहनियो हर नारी शक्ति लगा अपन शक्ति के याद करिया याद कर पा रहा ना तोहनियो हर नारी शक्ति लगा दुनिया में सबसे ताकतवर दुनिया में सबसे बलशाली अगर कोई है तो नारी शक्ति तोहनी के गुस्सा लगा है कि ना राग नहीं लगा जे हमने जमीनवा छीने ओकर ऊपर जे हमने नौकरिया छीने जे हमने खेतिया बारिया छीने राग लगा है कि ना यदि राग लगा है तो आज के सभा के बाद जब भी जीवा तो 4 घंटा चुगली करके बेकार नहीं कर जा ताकि देखा लिए ना जहां चार वो माय मौसी काकी जठी गिला बैस गेलो देखी राग गेलो हर की का तो हेलो सुन सुनाओ हाँ की काली मैं देखना ये कर भोतनिया कते मलके लागल है एक में से हाँ इधर तो ठीके काली ओकर ससैयो एकदम छानतरी भई गेल है ए भी ओकर बेटिया के तनी लगा न कहे जहां तहां हम समझ बुल है और लास्ट की को तो पता हो जाय भी हमर की तो जब तक पूछो ना तो 4 घंटा काहे बर्बाद कर ले पर पूछो कब कह के जब तक लास्ट कहते का 4 घंटा एकदम गप मारते ससैया ऐसे गोतनिया ऐसे ननदिया ऐसे बेटवा ऐसे गोतनिया ऐसे